कोदैया गांव की तिलकी देवी ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर 22 जून को उसके साथ मारपीट करने वाले मैसूर गोपाल महतो और उसके पुत्र पवन महतो पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि थाना में आवेदन दिए हुए 4 दिन हो चुके हैं, परंतु आरोपियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो आवेदन लिख के दिया, उसको कार्रवाई करो, तब पुलिस कहता है कि हम नहीं आवेदन जानते हैं किसके पास, पुलिस वही कहता है। क्या क्या चाहते हैं? हमको चाहते हैं कार्रवाई करने के लिए। लगता है बस तू बेटा तुम बाप बेटा अपना और मारने लगा वहाँ से झलम था। तुम मम्मी हम मार बेटी उम्र तुम भागने लगा, तब मैं इतना मोटे बाँस से लगी रखने वाले मोटा बाँस उससे मारा कपार में, कैसे मारा कैसे गिर गए, गिर गए तो उससे हमारा मुँह में लाठी पचने लगा और कहने लगा कि वो तुम्हारा रात के जिस समय में जाकर तुम्हारा सब चीज़ कर लेंगे और तुमको हम बचना नहीं देंगे।